आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हाई कोर्ट ने दी है आपको बहुत बड़ी राहत। सर क्या राहत दी है? आजकल आपने देखा होगा आप लोगों को बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं जिसमें आपका ITC डिनाई कर दिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। और रीजन क्या दिया जा रहा है कि भाई आपका जो सप्लायर था उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया। तो इस केस को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट SSC के फेवर में दी है। सर केस का नाम क्या है? तो केस का नाम है इंजीनियरिंग टूल्स कॉरपोरेशन, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है इंजीनियरिंग टूल्स कॉरपोरेशन के केस में। सर क्या कहती है जजमेंट? इस जजमेंट के बारे में समझिएगा, ये 17-18 के अंदर क्या हुआ कि 17-18 के अंदर SSC ने कुछ गुड्स परचेज करे, 17-18 के अंदर SSC कुछ गुड्स परचेज करता है उस पर ITC लेता है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, 30 दिसंबर 2023 को एक असेसमेंट ऑर्डर पास करता है और उसमें कहता है कि भाई जो ITC आपने लिया है ठीक है ना, आप इसे रिवर्स करो। किस वजह से रिवर्स करो? कि भाई जो रेलिवेंट सप्लायर का रजिस्ट्रेशन है वो बैक डेट से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर SSC क्या करता है, सीधा चला जाता है हाई कोर्ट के पास और कहता है भाई साहब मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पास तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, ईवे बिल है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, पेमेंट का प्रूफ है, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करी है। ये कहता सर मेरी तो सारी कंडीशन ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं भाई साहब गलती नहीं की है। डिपार्टमेंट क्या कहता है, डिपार्टमेंट का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब आपको क्या करना था, आपको उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पर ये क्या कह रहा है डिपार्टमेंट कि आप उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पर हम जब गए ठीक है सप्लायर को देखने तो सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस है और ये फेक बिलिंग का केस है। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, ये फेक बिलिंग का केस है, नॉन एग्जिस्टेंस डीलर है और फेक इनवॉइस इशू किए गए हैं, तो इसलिए हम आपको यहां पर कोई भी ITC नहीं देंगे। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने क्या बोला, यहां पर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इस चीज को समझो, आप ऐसे नहीं कह सकते SSC को कि भाई सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल है। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल किसी और वजह से हो सकता है, सेक्शन 29(2) में बहुत सारी वजह लिखी हुई है। हो सकता है कि भाई सप्लायर मर गया हो ठीक है ना, हो सकता है सप्लायर मर गया हो, 3B फाइल करी है, 1 फाइल करी है, सारी चीजें करी है, तो आप खाली इस वजह से कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल है तो आप SSC का ITC रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहां पर ITC देना पड़ेगा। तो यहां पर हाई कोर्ट ने ये वाला जो डिसीजन है ठीक है ये फेवर में दिया है और डिपार्टमेंट को बोला है कि भाई आप इसके मैटर को दोबारा से सुनो और आप दोबारा से असेसमेंट ऑर्डर पास करो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करो और अगर इसका इस व्यक्ति का ITC बिल्कुल ठीक है तो आप इसे ITC दो। आप ट्रांजेक्शन को चेक करो कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, आपका सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो जाता है या सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस है, ये SSC की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि SSC ने जिस दिन ट्रांजेक्शन करी थी वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पर करी थी और वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जो SSC है वो हर सप्लायर के पास ठीक है जाकर देखे कि भाई तू एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। क्या ये रिसिपिएंट की जिम्मेदारी होती है? भाई मैं यहां पर बिजनेस करने बैठा हुआ हूं, दिल्ली में बैठा हुआ हूं, मैं पूरे इंडिया से माल परचेज करता हूं और जब मैं पूरे इंडिया से माल परचेज करता हूं क्या मैं जहां जहां से मेरे को बिल आ रहे हैं, जहां जहां से मैं माल परचेज कर रहा हूं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं सबकी एग्जिस्टेंस चेक करता रहूं? तो सबकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मेरे पास होता क्या है, भाई मैं तो पोर्टल पर जाकर GSTN देख सकता हूं और अगर पोर्टल पर जाकर वो एक्टिव है और अगर डिपार्टमेंट ने वो रजिस्ट्रेशन दिया है तो भैया इसमें रिसिपिएंट की क्या गलती है, इसमें तो या सप्लायर की गलती है या डिपार्टमेंट की गलती है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन फेवर में दिया है। अगर आपको इस डिसीजन की कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो या हमारी टीम को व्हाट्सअप करके ले सकते हो। और हाँ, इसी तरह की हम सारी जजमेंट अपने अर्जुन कोर्स में भी कवर कर रहे हैं, तो अगर किसी ने अभी तक हमारे अर्जुन कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल करा ले, जिससे कि आप इस तरह के नोटिस का जवाब
इस तरह के ऑर्डर्स की अपील अच्छे से फाइल कर सके। और हाँ, अगर आपको इनकम टैक्स सीखना है तो इनकम टैक्स के लिए हमारा एकलव्य बैच सैटरडे और संडे चल रहा है, तो फटाफट से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप ये दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो। तो अभी हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इस कोर्स के अंदर एनरोल करा लीजिए। धन्यवाद।